बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं दाल के लड्डू। ये मैंने मूंग की दाल एक पाव ली और उसे दो घंटे भिगो दिया, उसके बाद मैंने पीस लिया। पीसने के बाद मैंने ये इसकी पकौड़ियाँ तली और पानी में भिगो दी। टाइम की कमी के बायस रेडीमेड सबको दिखा रहे हैं कि मैंने बनाई खुद ही है घर में और आज ही बना के और ये रख दी इसमें। ये बनाने के बाद मैंने दही ये ना फेंट ली है। दही फेंटने के बाद इसमें मैं ये मसाला डाल रही हूँ। ये देखिए, ये मसाला डाल रही हूँ। ये है मसाला जो मैंने होममेड बनाया हुआ ना। ये देखें, पुदीने का पाउडर है, हरी मिर्च का, और लहसुन है पिसा हुआ इसके अंदर, और वो है ना सौंठ का पाउडर। ये मैंने मिला लिया। थोड़ा सा मैं नमक मिलाऊँगी। ये करके मैंने इसे मिला लिया। और ये मैंने डेढ़ पाव दही लिया है, डेढ़ पाव लेती है यानी कि 350-350 ग्राम। अब ये इसमें मैंने ये मैंने अभी निचोड़ के रखे। ये मैंने ये इसमें ये। अब ये रोज तक टाइम तक ये हो जाएंगे। ये है हरी मिर्चों की चटनी, हरे धनिए की जो हरी होती है, जो मैं आपको हर दफ़ा दही बड़े और उसमें डालते हुए दिखाती हूँ। उसके बाद ये डलेगी, ये भी, क्योंकि इसमें और कोई ऐसे मसाले तो है नहीं, ये डल गए। उसके बाद मैं ये इमली और खजूर की चटनी, सिर्फ टाइम की कमी के बायस ये मैं काम कर रही हूँ जल्दी जल्दी। जो जो रोजे बढ़ रहे हैं टाइम होता जा रहा है। ये मेरी खजूर की चटनी हो गई और ये चाट का मसाला हो गया, और अब मैं